मूंग दाल हलवा बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक पैन में 1 कप जितनी मूंग दाल डालूंगी और उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो गैस का फ्लेम पहले मीडियम रखें, फिर बाद में लो करें। तो इसको कंटिन्यूसली हमें चलाना है और इसको रोस्ट करना है। दाल को रोस्ट होने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, तो इसको आप लगातार चलाते रहिए। दाल यहाँ पे रोस्ट हो गई है, देखो इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। तो अभी हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। तो पहले इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें इस दाल को डाल लेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा मोटा पीसेंगे, हमें एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। तो मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना घी डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे बादाम को डाला है, बादाम को हम फ्राई करेंगे, बादाम को हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। बादाम हल्का सा फ्राई होने के साथ ही हम इसमें काजू को भी ऐड कर लेंगे, फ्राई करेंगे। बादाम और काजू दोनों फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब हम इसी पैन में जो हमने दाल को पीस के रखा था उसको ऐड करेंगे, एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो मुझे यहाँ पे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना घी और डालूंगी। वैसे तो दाल के हलवे में घी ज़्यादा लगता है, बट मैं यहाँ पे कम घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1/2 कप घी भी डाल सकते हो, उससे भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है, बट मैं इस हलवे में घी का यूज़ थोड़ा कम करूँगी। तो दाल को लगातार चलाते रहना है हमें, अच्छे से भुनना है इसको, इसमें 5 से 7 मिनट इसको भी लग जाएंगे। और गैस का फ्लेम आप लो ही रखें। मैं ये बीच में जगह बना रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सूजी और बेसन नहीं डाला है। तो मैं अभी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना सूजी डाला है और 1 टेबलस्पून जितना ही मैंने इसमें बेसन डाला है। सूजी और बेसन डालने से हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और तले में भी नहीं चिपकता है। तो ये देखिए एकदम इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे दूध भी ऐड करूँगी और पानी भी इसमें ऐड करूँगी। तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे, नहीं तो इसके छींटे जो है वो अपने ऊपर आते हैं। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना, इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालते ही ये पूरा एकदम सोख लेगा, ये देखिए ये एकदम ड्राई हो गया वापस। तो अभी हम इसमें दूध को भी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी डाला है और 3 कप
दूध डाला इसमें, दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको लगातार चलाते भी रहना है। ये देखिए, ये बचा हुआ दूध ये भी डाल लेंगे और अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये देखिए बैटर एकदम ड्राई हो गया है, तो अभी हम इसमें 1 कप जितना शुगर ऐड करेंगे। शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर डालने के बाद ये हल्का सा वापस गीला होगा, तो इसको चलाते रहेंगे हम। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे केसर का दूध। गरम दूध में हल्के से केसर को भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, वो भी इसमें ऐड कर लिया है और इसको भी इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। ये अभी थोड़ा ड्राई होगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना घी डालूंगी और इसको वापस से हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये और ड्राई हो गया है, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी और इसको वापस से चलाऊंगी ताकि ये चलाने में थोड़ा इजी रहे। ये देखिए, तो ये देखिए मैं अभी इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था उसको कट किया है और इसमें ऐड कर लूँगी। अभी हम इसको चला लेंगे। अभी हमें इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। तो ये देखिए, ये हमारा दाल का हलवा बन के तैयार, एकदम खुला खुला बना है और दानेदार बना है। तो मैंने इसमें घी ज़्यादा नहीं डाला है, तो इसमें ज़्यादा घी नहीं है, बहुत कम घी वाला बनाया है। बाकी दाल के हलवे में बहुत घी लगता है, तो मैं अभी इसको सर्व कर लूँगी एक बाउल में। और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।